हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम प्रज्वल सिंह है और मैं आपका टॉप 10 क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम कैसे संतुलित करेंगे और हमने योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है और आपकी अपघटन अभिक्रिया क्या होती है बच्चों, यह हमने पढ़ लिया था। आज हम आपका पढ़ेंगे विस्थापन, या इसको हम कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो नाउ टुडे आई विल डिस्कस अबाउट दिस रिएक्शन। तो बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? विस्थापन अभिक्रिया बच्चों क्या होती है? अगर कोई क्रियाशील धातु तत्व, अगर कोई क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा दे, प्रतिस्थापित कर दे बच्चों, या कर दे विस्थापित कर दे, तो उसे हम क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। तो कहने का क्या मतलब निकला? विस्थापन अभिक्रिया क्या है? जब जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से प्रतिस्थापित कर दे बच्चों, विस्थापित कर दे तो उस अभिक्रिया को, तो बच्चों उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? आपका विस्थापन, तो उसे हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो कहने का क्या मतलब निकला? कहने का यह मतलब निकला कि जब ज्यादा क्रियाशील तत्व, ज्यादा सक्रिय वाला तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से, उसके कंपाउंड से विस्थापित कर देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? आपका विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हम आपका एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम आपका एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। वो आपका एग्जाम्पल क्या है, आओ देखें। जैसे कि हमने आपका यहाँ पर फेरस सल्फेट लिया। क्या लिया बच्चों? हमने आपका फेरस सल्फेट लिया और यहाँ पे आपका हमने जिंक लिया। यहाँ पे बच्चों हमने आपका जिंक लिया और हमने क्या लिया? आपका फेरस सल्फेट लिया। तो जिंक जो होती है, जिंक जो धातु होती है, वह फेरस सल्फेट को में उपस्थित जो आपका यफी आपका धातु है, उसे वह क्या कर देता है? विस्थापित कर देता, हटा देता है। तो आपका क्या बन जाता है? जिंक सल्फेट और क्या बन जाता है आपका? यफी। तो कहने का क्या मतलब निकला? यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका जो जिंक था, आयरन को उसके विलयन से हटा दिया, और आपका क्या बन गया? जिंक सल्फेट बन गया और क्या बन गया? आपका यफी बन गया।
तो ये कौन से क्रिया हुई? विस्थापन क्रिया हुई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। अब क्वेश्चन उठता है, आपसे कोई पूछे कि बताइए कापर ले लिया हमने और आपका हमने ले लिया ZnSO4 ले लिया, और यहाँ पर हमने आपका क्या अभिक्रिया होगी? क्या अभिक्रिया होगी? यह अभिक्रिया बच्चों नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर जो कापर है, कापर की सक्रियता, कापर की क्रियाशीलता जिंक से कम होती है। देन यू कैन से हियर दिस रिएक्शन विल नॉट पॉसिबल, यहाँ पर यह रिएक्शन नहीं होगी। तो अब हमसे याद कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन उठा हमारे मन में, तो आज आपको हम एक ट्रिक बता रहे हैं, बाय दिस यू कैन से, तो झपकू, क्या बच्चों? झपकू, झ से क्या निकला? जिंक। प से क्या निकला आपका? झपकू, यफी। और कु से क्या निकला? सीओ निकला। सबसे ज्यादा क्रियाशीलता जिंक की होती है, इसके बाद आयरन की होती है, इसके बाद किसकी होती है बच्चों? कापर की होती है। By this thing you can say that this reaction will be possible or not. तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि यह रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। तो आइए अब हम एक रिएक्शन की बात और कर लें। जैसे एक हमने लिखा यहाँ पर जिंक प्लस कापर सल्फेट, क्या यह रिएक्शन होगी बच्चों? हाँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए कापर सल्फेट, कापर सल्फेट की जो क्रियाशीलता है वह जिंक की क्रियाशीलता से, कापर सल्फेट की जो क्रियाशीलता है वह जिंक की क्रियाशीलता से बच्चों क्या है? कम है। देखिए यहाँ पर आप जिंक की क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा, इसके बाद आयरन की, इसके बाद कापर की। बाय दिस ट्रिक यू कैन से दिस रिएक्शन विल बी पॉसिबल हियर। तो व्हाट विल बी हैपेंड? तो जिंक सल्फेट एंड क्या मिलेगा बच्चों? आपका कापर मिलेगा। तो ये क्या रही आपकी? विस्थापन अभिक्रिया रही बच्चों, प्रतिस्थापन अभिक्रिया रही, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं। तो अब हम बात करेंगे कि विस्थापन अभिक्रिया कितने प्रकार की? दो प्रकार की बच्चों, एक होती है एकल विस्थापन अभिक्रिया और एक होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपकी विस्थापन अभिक्रिया कितने प्रकार की? दो प्रकार की। तो यहाँ बच्चों हम लिख सकते हैं विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया मुख्यतः, मुख्यतः मतलब बच्चों क्या होते हैं? मेनली मुख्यतः दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। तो पहला क्या निकला बच्चों? तो पहला क्या है आपका? एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या मतलब क्या है? कि जब कोई तत्व किसी यौगिक में उपस्थित कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दे तो उसे हम क्या कहेंगे? एकल विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। और डबल विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है बच्चों? तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? जब आयनों का विनिमय हो जाए, जब मूलकों का विनिमय हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो पहला क्या रहा? एकल विस्थापन अभिक्रिया बच्चों, एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है यदि हम इसकी बात करें? एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है बच्चों यदि हम इसकी बात करें? तो देन यू कैन से हियर वह अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व किसी दूसरे
किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। बच्चों क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एकल विस्थापन अभिक्रिया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यू कैन से हियर। व्हाट इज द सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? बाय दिस डिफिनेशन यू कैन क्लियर हियर एंड वी आर टेकिंग एन एग्जांपल फॉर दिस। तो इसके लिए बच्चों हम आपका एक एग्जांपल लेते हैं कि एग्जांपल आपका क्या रहेगा। जैसे ये देखिए, यहां पर कोई एक तत्व दूसरे को विस्थापित कर दिया है, ये है कि नहीं? हाँ, यहां पर देखिए आप, जिंक ने कॉपर को उसके विलयन से, उसके यौगिक से विस्थापित किया और बना दिया जिंक सल्फेट, एंड हियर इज योर कॉपर। तो यहां पर देखिए, किसी एक ने ही, यहां पर जो विस्थापन हुई है केवल एक ही बार हुई है कि नहीं? केवल एक तत्व के द्वारा हो गया, केवल एक तत्व के द्वारा हुआ है। तो इसे हम क्या कहेंगे बच्चों? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। तो आइए एग्जांपल की बात करें। हियर इज योर जिंक एंड हियर इज योर कॉपर इन एक्वस, इट मींस इसका कॉपर सल्फेट का विलयन है। तो यदि हम यह अभिक्रिया कराना चाहें, इफ यू वांट टू कंप्लीट दिस रिएक्शन, तो व्हाट वी हैव टू ऑब्टेन हियर प्रोडक्ट, तो जिंक है बच्चों, तो जिंक ये कॉपर को क्या करेगा? हटा देगा। अब कॉपर को हटाया तो मुस्कुराते हुए जिंक क्या बनाएगा? जिंक सल्फेट। और क्या ये कॉपर है बच्चों? और कॉपर क्या हो गया? अलग हो गया। कॉपर अपने विलयन से, अपने सॉल्यूशन से अलग हो गया बच्चों। तो ये क्या रहा आपका? कॉपर अलग हो गया, जिंक सल्फेट बना। और ये देखिए, ये जिंक है ना आपका, जिंक सल्फेट, और क्या रहा है? मुस्कुरा रहा है आपके सामने। तो आओ बच्चों, अब हम बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, वह आपकी क्या होती है। तो आओ उसके संबंध में हम जाने। ठीक है बच्चों, देख लिया आपने सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एकल विस्थापन अभिक्रिया, बच्चों क्या होती है। अब हम बात करेंगे बच्चों कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। अभी हमने आपको बताया कि जब आयनों का विनिमय हो, जब मूलकों का विनिमय हो, तो उसे हम क्या कह देते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह देते हैं। तो आइए अब हम आपकी बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब बच्चों द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगी, इसके संबंध में आओ हम जानें। तो जैसे हमने यहां पर बच्चों आपका लिया HCl प्लस NaOH, आपको पता है HCl आपका ब्रेक हो सकता है किसे बच्चों? H प्लस और ये Cl माइनस में, और NaOH किसे बच्चों ब्रेक हो सकता है? Na प्लस और OH माइनस में। तो बच्चों इसे हम क्या कहते हैं? H प्लस आयन को हम कहते हैं आपका प्रोटॉन। क्या कहते हैं बच्चों? प्रोटॉन, या हम क्या कहते हैं इसे? हाइड्रोजन आयन कहते हैं इसे। आप क्या प्रोटॉन कहिए या हाइड्रोजन, क्या कहें बच्चों? हाइड्रोजन आयन कहेंगे, ये आज बातें सीख लीजिए। और इसको हम क्या कहते हैं? क्लोराइड आयन कहते हैं इसको। अच्छा, हम क्या कहते हैं? क्लोरीन के ऊपर जब माइनस चार्ज होता है, इसे हम क्या कहते हैं आपको? क्लोराइड, क्लोराइड और है आयन, तो इसे हम क्या क्लोराइड आयन कहेंगे। और इसे हम क्या कहें बच्चों? सोडियम आयन, क्या कहेंगे आपका हम? सोडियम आयन। अब बच्चों क्वेश्चन उठ रहा होगा, लिखा है हमने Na और हम बच्चों कह रहे हैं सोडियम, तो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लैटिन में सोडियम को हम क्या कहते हैं? नेट्रियम कहते हैं। बाय दिस रीजन यू कैन से सोडियम
by represent your Na. तो हम सोडियम को Na से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम कहते हैं हाइड्रॉक्सिल आयन. क्या कहते हैं? हाइड्रॉक्सिल आयन. ये आपको क्या है? हाइड्रॉक्सिल आयन. तो यहां पर हमने कुछ चीजें देख लिया, तो आइए सीखें कि क्या होगा यहां पर, क्या प्रोडक्ट बनेगा बच्चों. तो देखिए आपका यहां पर क्या है, H प्लस है और कभी भी प्लस अटैक अटैक नहीं करता. कौन करेगा? आपका ये कर दिया अटैक OH. किस पर कर दिया? ढूंढ करके H प्लस पर क्या कर दिया बच्चों? अटैक कर दिया. अब जब भाई ने अटैक इस पर किया तो आपका क्या बना बच्चों? H2O बना. और H2O का जो रासायनिक नाम क्या होता है? डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? जल कहते हैं. और यह दिख रहा है बच्चों, यहाँ पर क्लोराइड आयन दिखा, तो क्लोराइड ने मुस्कुराते हुए अटैक किया किस पर? सोडियम पे. और आपका बच्चों क्या बनाएगा? सोडियम क्लोराइड. क्या बच्चों आपको पता है सोडियम क्लोराइड को हम कहते हैं साधारण नमक, कॉमन साल्ट, जिसका उपयोग बच्चों हम घरों में करते हैं. उसका फार्मूला क्या है? सोडियम क्लोराइड. आज से आप ये सीख लिए, इसे हम कहते हैं लवड़. तो ठीक है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट क्लियर? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है आपकी. ठीक है बच्चों, अब हम आपकी बात करेंगे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया क्या होती है. ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया से बच्चों आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं. अब आओ सीखें ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, रिडॉक्स अभिक्रिया, यह क्या होती है. आओ हम इसको सीखें. तो यदि हम बात करें बच्चों रिडॉक्स अभिक्रिया की, हम किसकी बात करें यदि आपके रिडॉक्स अभिक्रिया की, तो ये क्या होती है इसको आओ हम सीखें. तो यहाँ पर देखिए हम हेडिंग लगा रहे हैं आपकी ऑक्सीकरण. क्या बच्चों? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अपचयन, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया. तो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया क्या होती है बच्चों? ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया क्या होती है बच्चों? तो फर्स्टली इसे हमें जानना होगा ऑक्सीकरण क्या क्या मतलब है. ऑक्सीजन का जुड़ना, जैसे सपोज किए बच्चों ये आपका ऑक्सीजन भाई साहब है और ये है आपके कौन? हाइड्रोजन भाई साहब. और ये ऑक्सीजन है और ये क्या आपके? हाइड्रोजन भाई साहब है. अगर आपका किसी भी अभिक्रिया में हाइड्रोजन का योग हो तो उसे हम क्या कहेंगे? अपचयन कहेंगे. अगर ऑक्सीजन का योग हो तो क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण कहेंगे. तो देखिए यहां पर ऑक्सी लिखा है ना, ऑक्सी मतलब क्या है बच्चों? ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, करण मतलब क्या होता है? जुड़ना. ऑक्सीजन का जुड़ना क्या है बच्चों? ऑक्सीकरण है. तो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं. वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ते उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? ऑक्सीकरण कहेंगे. और अपचयन क्या है? ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना. ऑक्सीकरण क्या है? ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना. अपचयन क्या है बच्चों? ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुड़ना. तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं आपका प्लस का मतलब है आपका प्लस. हमने यहां पर लिखा, अगर यहां पर बच्चों आपका प्लस लिखा तो मतलब जुड़ रहा है यहां पर ऑक्सीजन का जुड़ना. और स्लैश लगाकर हमने यहां पर लिखा आपका हाइड्रोजन, तो मतलब हाइड्रोजन का निकलना. तो क्या है आपका? ऑक्सीकरण है. और अपचयन क्या है बच्चों? यहां पर हमने आपका निगेटिव साइन लगाया मतलब ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना. यह आपकी कौन सी प्रक्रिया होगी बच्चों? अपचयन प्रक्रिया होगी. तो अगर हम और एक टर्मोलॉजी की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट देन यू कैन से, यदि किसी भी
परमाणु के तत्व के आक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है तो हम क्या कहेंगे बच्चों? आक्सीकरण प्रक्रिया कहेंगे। यदि आक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है तो हम क्या कहेंगे बच्चों? अपचयन प्रक्रिया कहेंगे। और तो मतलब आक्सीकरण क्या है? आक्सीकरण क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या बच्चों? वृद्धि। ऑक्सीडेशन स्टेट में बच्चों क्या? वृद्धि। अपचयन क्या है बच्चों? ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी। ये दो बातें आपको याद रखने की जरूरत है, ये आपको आना चाहिए। और एक टर्मोलॉजी सिखा के जाते हैं आज आपको। ऑक्सीकरण क्या है बच्चों? ऑक्सीकरण क्या है? जब किसी परमाणु द्वारा, जब किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन रिलीज किया जाता है, इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है, तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण। ये आधुनिक संकल्पना कहती है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहती है कि यदि किसी परमाणु द्वारा, किसी भी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागा जाएगा तो वह क्या होगा? आपका ऑक्सीकरण। यदि इलेक्ट्रॉन करेगा ग्रहण तो क्या होगा बच्चों? अपचयन। तो आइए हम सीखें। तो ऑक्सीकरण क्या है? एक तो ऑक्सीजन स्टेट में वृद्धि है और दूसरा क्या है? इलेक्ट्रॉन का त्यागना। अगर किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन क्या कर रही किया जा रहा है? त्यागा जा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? आपका ऑक्सीकरण कहेंगे। और यदि बच्चों इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाए, यदि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाए किसी परमाणु, किसी तत्व द्वारा, देन यू कैन से दिस प्रोसेस विल बी योर रिडक्शन। क्या होगी बच्चों? रिडक्शन होगी। वो आपकी क्या होगी? यहां हम लिख दे रहे हैं आपका इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। यहां पर क्या बच्चों? आपका इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। तो ये रहा, बस इतनी ही चीजें आपको सीखनी थी। अब सब रखो चक्कर। अब देखिए चुटकियों में आपका हम काम करते हैं। चुटकियों में देखिए ऑक्सीकरण है ना, और यहाँ पे अपचयन है, और क्या है? अभिक्रिया। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ में हो, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण की प्रक्रिया और अपचयन की प्रक्रिया दोनों साथ में हो जाएं, तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। और आज के बच्चे तो इसे रिडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? रिडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं आपका? रिडॉक्स अभिक्रिया। देखिए आप मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आप जौनपुर शहर में हैं। तो ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण की प्रक्रिया और अपचयन की प्रक्रिया दोनों साथ में हो जाए बच्चों, वही क्या है? ऑक्सीकरण अपचयन। और यहां आप हमने क्या लिखा? रिडॉक्स। देखिए रिडॉक्स दो वर्ड से बना है। एक क्या है? रेड। रेड का मतलब क्या होते हैं बच्चों? रिडक्शन होता है। रेड का मतलब क्या होता है? रिडक्शन। क्या होता है बच्चों? रिडक्शन। और ओएक्स का मतलब क्या होता है बच्चों? ऑक्सीडेशन। क्या होता है बच्चों? ऑक्सीडेशन। मतलब वही निकल के आएगी नहीं बात, जहां पर क्या हो? ऑक्सीकरण और अपचयन हो बच्चों, उसे हम क्या कहें? रिडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। और जो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया जो है, वही आपकी क्या? रिडॉक्स अभिक्रिया है। बाई दिस कॉन्सेप्ट यू हैज बीन क्लियर्ड हियर कि ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया क्या है। तो यहां पर आपकी डिफिनेशन की बात करें तो लिखेंगे आप, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन प्रक्रिया, अपचयन प्रक्रिया दोनों साथ साथ हो बच्चों, दोनों साथ साथ हो। तो क्या लिखेंगे?
वह अभिक्रिया जिसमें आक्सीकरण तथा अपचयन प्रक्रिया दोनों साथ साथ हो तो उसे हम क्या कहेंगे, आक्सीकरण अपचयन अपक्रिया कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, आक्सीकरण आक्सीकरण अपचयन, आक्सीकरण अपचयन और आक्सीकरण अपचयन को क्या कहते हैं बच्चों, आपका हम कहते हैं रिडॉक्स, आक्सीकरण अपचयन अपक्रिया कहते हैं। क्या इतनी बातें आई बच्चों समझ में आपको, क्या इतनी बातें आई आपको समझ में? अगर समझ में आई हो तो वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिएगा और जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अब हम बात करते हैं आपके एग्जाम्पल की, आपके उदाहरण की, आपकी एग्जाम्पल की और आपके उदाहरण की, कि हम कैसे बताएंगे कि यहाँ पर आक्सीकरण हो रहा है और कैसे बताएंगे बच्चों यहाँ पर अपचयन हो रहा है। आइए, अभी तो आपको हम सिखा कर गए हैं झपकू, झपकू उठा, अब आएगा आपका झपकू और आपने सीखा है झपकू, क्या सीखा बच्चों आपने, झपकू। तो झपकू बता रहा है कि आपका जिंक, अगर आपका कॉपर सल्फेट और दोनों की रिएक्शन करवा दिया जाए तो क्या बना बच्चों, जिंक सल्फेट बना और क्या बना आपका कॉपर। अच्छा ये बताइए, यहाँ से अगर यहाँ पर चले तो हम क्या देखेंगे बच्चों, जिंक के पास अभी तक ऑक्सीजन थी नहीं थी, थी नहीं थी, लेकिन अब तो ऑक्सीजन है तो जिंक की क्या हो गई, मौज हो गई बच्चों। तो ये आपकी क्या है, ऑक्सीकरण है, क्या है बच्चों, ऑक्सीकरण है। देखिए जिंक भी अब मौज करने लगा, तो आप सब जमकर पढ़ें और खूब आगे बढ़ें। तो ये आप क्या है, जिंक जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ा तो आपका क्या बना, यहाँ पर जिंक सल्फेट बनाया हुआ है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए जिंक में ऑक्सीजन जुड़ गया तो ऑक्सीकरण, और यहाँ आप देखिए बच्चों यहाँ सर बेचारे कापर की दशा तो वैसे ही बेकार और ऊपर से ऑक्सीजन भी गायब, तो आपका क्या है, अपचयन है बच्चों। ये क्या है आपको बच्चों, अपचयन है। तो क्या दोनों प्रक्रियाएं साथ में हो रही है, हाँ हो रही है कि नहीं, हाँ। अगर दोनों प्रक्रियाएं साथ में हो रही है तो इसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया। ये ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया आपके बोर्ड के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, फर्स्टली यू हैव टू प्रिपेयर इट। तो नाउ वी आर कमिंग योर टॉपिक, विच इज द व्हाट इज द यूजेज ऑफ, आपके दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण के कुछ हम एग्जाम्पल देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों, आओ उसको हम सीखें। ठीक है बच्चों, जैसा कि आपने देखा कि ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया क्या होती है, यह हमने पढ़ लिया। अब हमने लगाया है वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है, संक्षारण है। तो संक्षारण मान के जाइए यूपी बोर्ड में आएगा, लिख लीजिए बच्चों यूपी बोर्ड में आएगा। अब हम बात करें संक्षारण क्या है, हम देखते हैं लोहे पर जंग लग जाती है बच्चों, ये क्यों लग जाती है, वायु के कारण लगती है। हम देखते हैं हमारी जो चांदी होती है, जो हमारी मम्मा हमारी दीदी या पड़ोसन वाली पहनती है, वो भी कभी कभी काली पड़ जाती है, तो वो किसका एग्जाम्पल है बच्चों, संक्षारण का एग्जाम्पल है। तो संक्षारण क्या है कि जब कोई धातु वायु के कारण या नमी के कारण धीरे धीरे नष्ट होने लगे तो उसे हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। तो हमने क्या बताया बच्चों कि संक्षारण क्या है, संक्षारण वह प्रक्रिया जिसमें कोई धातु नमी वायु आदि के कारण धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, धीरे धीरे नष्ट होने लगती है
धीरे धीरे नष्ट होने लगती है तो उसे संक्षारण कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? आपका संक्षारण कहते हैं। तो हम बात करें एग्जाम्पल की। संक्षारण की एग्जाम्पल क्या है? हमने बताया कि लोहे में जंग लगना, चांदी का काली पड़ जाना, चांदी का काला पड़ जाना किसका एग्जाम्पल है बच्चों? संक्षारण का एग्जाम्पल है। तो यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे लोहे में जंग का लगना, लोहे में जंग का लगना ये, और बच्चों बात करें कि चांदी, क्या बच्चों? चांदी का काला पड़ जाना है, चांदी का बच्चों काला पड़ जाना, तो ये किसकी एग्जाम्पल है? संक्षारण का एग्जाम्पल है। तो क्या इतनी बातें बच्चों आपको समझ में आई? अब हम बात करेंगे ये एक और इम्पॉर्टेंट ऑक्सीकरण के एग्जाम्पल है आपके बुक में, जिसको कहते हैं विकृत गंधिता। कभी कभी क्या होता है बच्चों, हमारे घर में कोई ताज़ी चीज़ बनी और हम कुछ खा लिए, कुछ हमारा बच गया। अब कुछ बच गया था अगले दिन खाते हैं, और फिर बचा तो फिर हम शाम को खाने लगते हैं, फिर बचा तो फिर रख देते हैं। तो ऐसे क्या होता है, कुछ दिन के बाद, कुछ टाइम के बाद, हो सकता है शाम के बाद जब सुबह खाने बैठे, हो सकता है हमारे जो आइटम हो, जो हमारा खाद्य पदार्थ हो बच्चों, ख़राब हो चुका हो। तो ख़राब क्यों हो गया? तो यह है कारण है बच्चों, विकृत गंधिता का कारण है। विकृत गंधिता के कारण क्या होते हैं बच्चों? कोई भी पदार्थ, कोई भी खाद्य पदार्थ में जो वसा होती है, जो तैली पदार्थ होता है, वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीजन के कारण उसमें विकृत गंध, मतलब दुर्गंध, क्या बच्चों? दुर्गंध आने लगती है, जिसे हम क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। तो कहने का क्या मतलब निकला विकृत गंधिता का बच्चों? तो अब हम बात करते हैं विकृत गंधिता का। तो विकृत गंधिता, देखो आपकी जो केमिस्ट्री है, वह केमिस्ट्री कहती है कि दुनिया से दिल लगाकर देखा तो क्या मिला, दुनिया से दिल लगाकर देखा तो क्या मिला, हमें भी, हमसे भी जरा दिल लगाकर तो देखो। तो ये केमिस्ट्री गजब की है, पढ़ेंगे तो भी आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे प्रैक्टिकल के माध्यम से तो भी जबरदस्त नॉलेज आएगी। इसलिए केमिस्ट्री पढ़ना हो तो आप आइए टॉप 10 क्लासेस में। तो अब बताइए आप थोड़ा सा हमें कि आपके घर जब कभी पनीर बनती है, क्या दो या तीन दिन बाद, एक दिन बाद वो ख़राब हो जाती है, उसमें से दुर्गंध आने लगती है कि नहीं? और मुँह में तो पानी आएगा ही। तो उसी की बात कर रहे हैं बच्चों, विकृत गंधिता की बात कर रहे हैं। अब विकृत गंधिता होती क्या है? जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं बच्चों, खाद्य पदार्थ मतलब जो हमें खाने वाले पदार्थ होते हैं, जैसे कि आपके पनीर हो गया, जैसे कि हमारे घर में बनी दाल हो गई, जैसे कि हमारे घर में बनी खिचड़ी हो गई, जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं कि हमारे दैनिक लाइफ में कौन से एग्जाम्पल एग्जिस्ट करते हैं। तो आपकी विकृत गंधिता है क्या कि खाद्य पदार्थों में, क्या बच्चों? खाद्य पदार्थों में, खाद्य पदार्थों में उपस्थित वसा तथा तैलीय पदार्थों के, तैली पदार्थों के धीरे धीरे ऑक्सीकरण से, धीरे धीरे ऑक्सीकरण से, क्या बच्चों? ऑक्सीकरण से, धीरे धीरे ऑक्सीकरण से उनके स्वाद में, धीरे धीरे ऑक्सीकरण से उनके
श्री के साक्षीकरण से उनका स्वाद का बदल जाना, किसका बच्चो, खाद्य पदार्थों का, उनका मत सोचिएगा आप सब, उनका स्वाद का बदल जाना क्या कहलाता है बच्चों, विकृत गंधिता कहलाता है, विकृत गंधिता कहलाता है। जैसे हम बात करें कि जैसे पनीर का कुछ समय बाद, पनीर का कुछ समय बाद खराब, खराब मतलब स्वाद का बदल जाना, खराब मतलब क्या बच्चों, स्वाद का बदल जाना, स्वाद का बदल जाना क्या बच्चों, पनीर का कुछ समय बाद खराब हो जाना मतलब स्वाद का बदल जाना, खराब हो जाना मतलब स्वाद का बदल जाना, विकृत गंधिता का, किसका बच्चों, विकृत गंधिता का उदाहरण है, क्या है बच्चों, ये तो उदाहरण है। तो आप जब किसी से मिलने गए होंगे तो चिप्स तो लेकर ही जाते होंगे, ये तो पक्का है। अब चिप्स जो लेकर जाते हैं आपको पता नहीं है चिप्स में भरी क्या होती है, कौन सी गैस, आपकी नाइट्रोजन गैस भरी होती है, आपकी नाइट्रोजन गैस भरी होती है, वही उसको उसके ऑक्सीकरण से बचाता है। तो कहने का क्या मतलब है, अगर आपको विकृत गंधिता को रोकना है, विकृत अगर आपको बच्चों विकृत गंधिता को रोकने के उपाय, रोकने के उपाय, अब विकृत गंधिता को रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं बच्चों, सबसे पहले हमें क्या काम करना चाहिए कि हमारा जो खाद्य पदार्थ है उसे वायुरोधी बर्तन में रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए बच्चों, खाद्य पदार्थों को, खाद्य पदार्थों को वायुरोधी, वायुरोधी बर्तन में रखना, रखना चाहिए। तो दूसरा क्या है कि आपके वायुरोधी बर्तन में रखना चाहिए, दूसरा खाद्य पदार्थों को ढककर रखना चाहिए, खाद्य पदार्थों को ढक कर रखना चाहिए। तो देखिए एक लोग गुनगुनाते हैं कि आपका जो खाद्य पदार्थ है ये बहुत कम टाइम के लिए है, अगर आपने ठीक तरीके से रखा तो आपका चलेगा और नहीं रखा तो विकृत गंधिता के कारण इसके स्वाद में कमी आ जाएगी, बदल जाएगी। तो जैसे एक नोट हम आपको बता रहे हैं, जो आप चिप्स लेकर जाते हैं उनसे मिलने, चिप्स के ये भी जान लीजिए, ये भी बताएंगे तो थोड़ा, और चिप्स के पैकेटों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, क्या भरी जाती है बच्चों, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ठीक है बच्चों, ये आपकी हेडिंग रही। अब
एक हेडिंग आपकी बची हुई है, वह है बच्चों आपकी उष्मा छेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया, वह आपका आओ हम डिस्कस करें। उष्माक्षेपी तथा उष्माशोषी अभिक्रिया। देखिए बच्चों यहाँ पर हमने हेडिंग लगा दी आपकी उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया। तो उष्मा का क्या मतलब है बच्चों? हीट। क्या मतलब यहाँ पर? हीट। अगर किसी भी अभिक्रिया में उष्मा निकल रही है, छेपी मतलब क्या होता है बच्चों? निकलना, और शोषी मतलब क्या होता है? अवशोषित होना, लगना। अगर किसी भी अभिक्रिया में उष्मा निकल रही है तो क्या होगी बच्चों? उष्माक्षेपी होगी। और उष्मा लग रही है तो क्या होगी बच्चों? आपका उष्माशोषी होगी। तो नाउ वी आर डिस्कसिंग एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हियर इज उष्माक्षेपी अभिक्रिया एक्सोथर्मिक। तो यहां पर हम बात करेंगे किसका बच्चों? उष्माक्षेपी अभिक्रिया की। किसकी बच्चों? उष्माक्षेपी अभिक्रिया की। तो इसमें आप लिख सकते हैं वह अभिक्रिया क्या बच्चों? वह अभिक्रिया जिसमें वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा निर्मुक्त होती है, मतलब क्या बच्चों? निकलती है। वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा निकलती है उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और उष्माक्षेपी अभिक्रिया में बच्चों जो उष्मा निकलती है, उष्मा निकल रही है ना, तो उत्पाद के साथ इसे हम पॉजिटिव साइन के साथ, धनात्मक साइन के साथ दर्शाते हैं। जैसे यदि हम बात करें एग्जाम्पल की, तो कार्बन ने ऑक्सीजन से अभिक्रिया बना दिया क्या बच्चों? आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस अभिक्रिया में बच्चों लगभग आपका 94 किलो कैलोरी उष्मा क्या होती है? निकलती है। 94 किलो कैलोरी उष्मा निकलती है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों उष्मा निकल रही है तो कौन सी अभिक्रिया हुई? उष्माक्षेपी अभिक्रिया हुई। अब हम बात करें अगला उष्माशोषी अभिक्रिया की बच्चों। उष्माशोषी अभिक्रिया, तो यह अभिक्रिया क्या बच्चों? हेडिंग देखिए उष्मा शोषी और शोषित होना। तो वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा अवशोषित होती है बच्चों। क्या होती है? अवशोषित होती है उसे हम क्या कहते हैं? उष्मा। वो वाली उष्मा नहीं, उष्माशोषी बच्चों, उष्माशोषी। आप थोड़ा यहाँ पर ध्यान लगाइए, उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं उसे। हम क्या कहते हैं बच्चों? उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो यदि हम बात करें इसके एग्जांपल की, तो नाइट्रोजन गैस
ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके 2NO आपका 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है और इसमें लगभग 45 किलो कैलोरी उष्मा क्या होती है बच्चों, अवशोषित हो जाती है। तो नाउ बाय दिस रिएक्शन योर चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड और अगले दिन बच्चों हम आपसे एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, वह आपका अम्ल क्षार एवं लवण होगा। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और जितना हो सके जो भी आपको डाउट्स रह गए उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत।